एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक खूबसूरत प्लांट है, इसको ग्लैडुलस में कहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को सोट लिली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी लीफ जो है फ्रेंड्स, वो सोट की तरीके से ऊपर नुकीली होती है, इसलिए इसको सोट लिली भी कहते हैं। ये साउथ अफ्रीका का नेटिव है और फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके फ्लावर के बहुत कलर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब अलग अलग कलर के फ्लावर इसमें होते हैं। मेरे पास तो ये एक ही कलर है, ऑरेंज। और फ्रेंड्स, इसके बल्ब के थ्रू ये ग्रो होता है, इसके बल्ब को कॉम्स भी कहते हैं। ये मैंने अगस्त में 18 अगस्त को लगाया था और ये देखिए 3 मंथ में, और ये इसकी ग्रोथ देखिए, और इसमें कितने सारे फ्रेंड्स स्पाइक्स हैं ये देखिए। और इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स, अगर सॉइल की बात करते हैं तो जो सारे प्लांट्स के लिए जैसी सॉइल होती है, वैसे इसके लिए भी चाहिए। 20% अगर आपने सॉइल लिया तो 10% सैंड और 5% आप पुरानी गोबर की खाद मिला करके लगा दीजिए, और ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है। फ्रेंड्स, सैंड जो है सॉइल में मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो सॉइल को सॉफ्ट भुरभुरी बना देता है, जिससे कि ड्रेनेज हमारा सिस्टम जो है अच्छा होता है और पानी जो है पूरा नीचे ड्रेन हो जाता है। तो अगर पानी प्लांट पॉट में रुकता नहीं है, अगर पॉट में अगर पानी रुकता है तो इसके सारे बल्ब जो है वो ख़राब हो जाएंगे। इसके बल्ब को कॉम्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये कल इसके दोनों साइड से फ्लावर खिलेंगे तो फ्रेंड्स और भी खूबसूरत लगेंगे। इसमें मैं मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।